योगी आएगा, देखो योगी ने हमारे यूपी में इतना अच्छा कर दिया कि गुंडों के सारे भ्रष्टाचार अतीक के इनके सबके जमीनें लेके गरीबों के लिए हाथों हाथ फ्लैट बना के उन्हें ओपनली एकदम ट्रांसपेरेंट पॉलिसी से अलॉट भी कर दिए। संसद के अंदर 545 बलात्कारी है, अकेला ब्रजभूषण बलात्कारी नहीं है। जाके रहे फिर वो कहाँ जाके रहे, वो पाकिस्तान का पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बनेंगे ये सारे विपक्षी वाले। विदेशी औरत के पक्ष से जो पेड़ जाएंगे तो आज जो मेरी बात कर सुनो, नहीं वो ये जानेंगे हमें पाकिस्तान से क्या लेना, हमें ये भारत सुधर रहा है, भारत तो बहुत सुधर गया, भारत तो भारत का तो ढंका बज रहा है। आज G20 हो रहा है, G20 वाराणसी में हो रहा है, उधर देखो ढंका बज रहा है पूरे भारत का। क्या लगता है विपक्ष जिस थाली में खाती उसी में छेद करती है, विपक्ष जिस थाली में खाती उसी में छेद करती है, क्या देखिए ऐसा कुछ नहीं है। दूसरा क्या है, देखिए जो केजरीवाल की अगर हम बात करें तो केजरीवाल जी ने जो अभी पीछे नीतियां चलाई हैं, एक बोतल पर एक बोतल फ्री और लोगों को घर पर बात कर दिया उन्होंने, आज उनके घर जाके देखिए उनके हाल क्या हो रहे हैं, उन गरीब लोगों के क्या हाल हो रहे हैं। उन्होंने अपनी बीवियों से मार मार के पैसा ले ले गए, एक बोतल एक पेटी एक एक पेटी दो दो पेटी फ्रियाँ घर के अंदर रखी हैं उसके अंदर। और ये बिजली पानी का जो ये लालच दे रहे हैं ना, कोई बिजली पानी फ्री नहीं है, केंद्र सरकार भी तो दे रही है राशन फ्री। देखिए राशन गरीबों को जो उससे कोरोना बहुत गरीबों को, हर किसी को नहीं दे रही वो राशन फ्री, जो गरीब है उनको तो देना बनता है, दे रहे तो अच्छी बात है कि उनकी नीति ये है कि हमारे देश में कोई गरीब ना रहे, कोई भूखा नहीं सोए, इसलिए केंद्र सरकार भोजन दे रही है राशन। क्या लगता है 2024 में मैं क्या बता सकता हूँ, जो पब्लिक चाहेगा वही होगा ना। पब्लिक तो आप भी हैं, ये खुद भगवा पहने हैं तो भगवा ही आएगा। तो बोलते आप, हमें तो देख रहे हैं भगवा पहन के आए हो तो भगवा ही आएगा, अरे योगी आएगा। देखो योगी ने हमारे यूपी में इतना अच्छा कर दिया कि गुंडों के सारे भ्रष्टाचार अतीक के इनके सबके जमीनें लेके गरीबों के लिए हाथों हाथ फ्लैट बना के उन्हें ओपनली एकदम ट्रांसपेरेंट पॉलिसी से अलॉट भी कर दिए। और क्या चाहिए गरीबों को, दिल्ली में आ जाए, दिल्ली में तो सब बुला रहे हैं पर वो क्या क्या संभाले, पहले यूपी को संभाल ले। और योगी दिल्ली में आ गया ना तो इन सबका बिल्कुल बोरिया बिस्तरा साफ है, बटोर के निकल लेंगे, बटोर के पाकिस्तान, इनके हिसाब से पाकिस्तान निकल गए। इन्होंने अभी पहलवानों को पिटवा दिया है, रेप किया हुआ है, कहते हम सच्चे है, जे झूठे झूले हुए कोई बीजेपी वाले, हाँ जी तो कौन ही है, पहलवानों को पिटवा दिया है। पहलवान के बोले, अगर मैं तो ये बोला, अगर अगर वो पहलवान होते ना, पहलवान किसको बोला जाता है, खुद की जो रक्षा नहीं कर सकते उनको पहलवान कैसे बोले। एक बात बोले, और एक मामला कब का था, 2013-14 का था। एक बात सुनो, आप भी सुनो, मैं भी महिला हूँ, आप भी सुने, आप भी महिला हूँ, मैं भी महिला हूँ, ठीक है। अगर आज इतनी इंडिपेंडेंसी, इतना ये है डिजिटल, इतना सुविधाएं हैं, अगर आज मेरे साथ कुछ भी गलत होएगा, और वो तो पहलवान पढ़े लिखे हैं, इतनी उनको फैसिलिटीज होती हैं, उनको 12 साल पहले उनके साथ गलत हुआ और वो नहीं बोले, ये कौन सा तरीका हुआ 12 साल बाद, क्योंकि उन्होंने नियम ऐसा बना दिया, आप जैसे हमारे जैसे जो पहलवान बेचारे दबे कुचले हैं उनको आगे आने का मौका मिले तो उनको ये बर्दाश्त नहीं है कि वो आगे आए, वो कहते हैं हम ही रहे हमेशा। और आज ये जो बजरंग पुनिया किसान रैली के साथ चला गया तो ये पहलवान है या राजनीति कर रहे हैं सारे, कांग्रेसी टूलकिट है, कांग्रेसियों ने खरीदा हुआ है, वो बिक गए हैं, जो किसान आंदोलन, जो फर्जी किसान आंदोलन किया था और राकेश टिकट वाला, ये सब देश तोड़ने वाले टुकड़े टुकड़े गया गए और ये बिके हुए है, सब बिके हुए है। इनका आ गया 15 रुपए का मेडल है, मेडल को 15 रुपए, नहीं 15 रुपए का तो वो लोग जब वहाँ डालने जा रहे थे ना तो उन्होंने वो कीमत लगा दी कि अगर आप गंगा में डाल रहे हो, वो कह रहे तुम्हारे लिए 15 रुपए का होगा, तुम अगर मेडल डालने जा रहे हो, पहले जो सरकार से इतनी सुविधाएं ली है, OSG की पोस्ट पे आप बैठे हो, सबसे पहले तो उस पोस्ट को आप भाई, संसद के अंदर 545 बलात्कारी हैं, अकेला ब्रजभूषण बलात्कारी नहीं है, इसलिए पहलवानों को कितने पर, मैं वहीं 27 साल से डली हूँ जंतर मंतर में, वो क्राइम का अखाड़ा है, धरना स्थल नहीं है, सच की आवाज़ दबा देते हैं, बस जाता है उसकी आवाज़ ही, मेरे को बुलाया जाता है 40 जज का वारंट हाई कोर्ट के, CBI CID का वारंट, ये जैसे बेवकूफ औरतें तो देखिए, ये थी जनता, जनता के दिल में क्या है, क्योंकि पब्लिक सब जानती है, और
मोदी जी तो सबने कहा ही, लेकिन योगी जी को भी ले आए और कह रहे हैं कि दिल्ली को अगर संभाल सकते हैं तो केवल योगी जी हैं। फिलहाल देखते हैं 2024 की तस्वीर क्या दिखाती है। तब तक के लिए बने रहिए 100 घन टीवी पर। कैमरा पर्सन अनिकेत के साथ आस्था तिवारी। आप देख रहे हैं 100 घन टीवी, 100 घन वतन की।